पवन सिंह नाम हो भैया, घर द्वार है आरा आ, शिक्षा स्वास्थ्य सब सुधरी है, नेता बन जी काम करी है उसारा। बूढ़े माई बाप के सेवा करी है, घूम घूमी पूरा गाँव। इतना कैसे कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस आपको कैसे है? आप तो मोदी से इंस्पायर हो गया है क्या पवन सिंह? नरेंद्र कहा नहीं होंगे जी, कहा नहीं होंगे। और पवन सिंह ना किसी का केस है बलात्कार का, ना कौन सा केस है मर्डर का, और ये नेता जब बनेंगे तो बेटा बनेंगे। सुनिए भैया, सुनिए चाचा, कान खोल के सुनी रहुआ, पवन सिंह के हो ना रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ। पार्टी कौन सा होगा, माटी कौन सा होगा, ये तो तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे ये तय हो गया है। 2024 चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। एक तरफ पवन सिंह दावा ठोक रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए चुनाव तो लड़ेंगे, मेरी माँ ने कहा है कि इस बार लड़ना है तो लड़ना है। क्या लगता है पवन सिंह को इस बार टिकट मिल रहा है क्या? पवन सिंह को पार्टी कौन सा होगा, माटी कौन सा होगा, ये तो तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे ये तय हो गया है। और मैं एक बात बोलूंगा, सुनिएगा, कलाकार हमेशा संस्कारी होता है और 99% नेता अहंकारी होता है। और ये जो अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं ना, ये सबसे बड़का अहंकारी होता है। पवन सिंह कलाकार है, चुनाव अगर जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो वो भी तो नेता ही होंगे, तो वो भी अहंकारी बन जाएंगे। नहीं सुनिए, देखिए कलाकार कोई भी नेता तो पैदा होता नहीं है, बनता ही है। देखिए नेता बनता है, पैदा होता है। नेता जो भी बना, इतिहास गवाह है उसका कि वो या बलात्कार करके आया है, या किसी का मर्डर करके आया है, किसी को दबा के आया है, वो नेता बनता है। 99% ये गवाह है, इतिहास उठा लीजिए आप। और पवन सिंह में ना किसी का केस है बलात्कार का, ना कौन सा केस है मर्डर का, और ये नेता जब बनेंगे तो बेटा बनेंगे, सांसद और विधायक नहीं बनेंगे, ये बेटा बनेंगे। और तब जाके मैंने, और एक आरा के हैं पवन सिंह, और हम भी आरा के हैं, पवन सिंह भी कलाकार हैं, हम भी कलाकार, कलाकार के नाते पवन सिंह को सपोर्ट करना मेरा फर्ज बनता है, तो इस वजह से मैं पवन सिंह को सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं एक बात बोलूँगा आपसे कि पवन सिंह नाम है भैया, घर द्वार पड़ेला आरा, पवन सिंह नाम है भैया, घर द्वार है आरा आ, शिक्षा स्वास्थ्य सब सुधरी है, नेता बन जी काम करी है उसारा। ठीक बना, विश्वास है, विश्वास है। कैसे? मैंने गाना लिखा है, सुनिएगा। गाना सबसे पहले मैं सुना दूँ आपको, ठीक है? एक YouTube चैनल पे अपना अभय तूफानी YouTube चैनल है, उस पे रिलीज किए हैं गाना पवन सिंह पे, सुनिएगा। ये हुड़का है और शंकर भगवान का हुड़का है, ठीक है? ये बजता है आगे से और आवाज करता है पीछे से, ठीक है ना? तो हुड़का बजा के पवन सिंह का हम आपकी चुनावी जो बिगुल फूंक रहे हैं, सुनिएगा कैसे। अरे सुनिए भैया, सुनिए चाचा, कान खोल के सुनी रहुआ, सुनिए भैया, सुनिए चाचा, कान खोल के सुनी रहुआ, पवन सिंह के हो ना रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ, पवन सिंह के हो ना रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ। और आगे मैंने इस पे लिखा है, सुनिएगा। इस सदन में खड़ा होके बात करी है रोजागार के, दूर हो जी समस्या ई तो वादा बा कलाकार के, बूढ़े माई बाप के सेवा करी है, घूम घूमी पूरा गाँव, बूढ़े माई बाप के सेवा करी है, घूम घूमी पूरा गाँव। इतना कैसे कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस आपको कैसे है? आप कह रही है ना, पवन सिंह एक बात बोले हैं कि मैं जब सांसद बनूंगा ना, आज जब मेरा गाड़ी रास्ते से गुजरेगी तो हर माँ बोलेगी कि मेरा बेटा हो तो पवन सिंह के जैसा हो। और मैंने उस पर भी एक लिखा है, सुनिएगा। कि मुँह से कम बोले ले काम करे ले वो ज्यादा, नेता बन के सेवा करी है बाटे ही है इरादा, अरे जिला जवार में सुर मचा दो आवताने यारा के बेटा हुआ, पवन सिंह के हो न रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ, पवन सिंह के हो न रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ। तो मैंने ये मतलब इस बार चुनावी मैदान में पवन सिंह का आगमन होने वाला है, आगमन होने वाला है और आगमन हो गया है, समझिए। तो आ गए हैं, चर्चा जीतेंगे भी क्या? सुनिए, जीतेंगे नहीं जीतेंगे कौन, अरे जब मैदान में उतरेंगे तब ना पट बुझाएगा कि हम खिलाड़ी हैं, कौन है, पटकाएगा, बरियार हो। देखिए सुनिए ना, घरों काटवा गिल हो तो क्या हो गया, सुनिए ये लोग, एक आवाज उठ रहा है, एक मैडम
एक आवाज उठ रहा है कि पवन सिंह अपने बीबी को नहीं संभाल पाए तो ये सत्ता क्या संभालेंगे। परम आदरणीय श्री, हाँ सुनिए भाई साहब, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, और अपने बीबी को नहीं संभाल पाए तो क्या देश नहीं संभाल पा रहे हैं? जीडीपी को कहाँ से कहाँ ला दिया? नरेंद्र मोदी से इंस्पायर हो गया है क्या पवन सिंह? नरेंद्र कहाँ नहीं होंगे जी, कहाँ नहीं होंगे? और ये कौन कहता, ये सुनिए, नहीं सुनिए, मैं हम तो सुनिए, हाँ हम तो देखिए, सुनिए, हम तो ये बात नहीं बोले ना, रुकिए आपको मौका देंगे, एगो सुनिएगा, सबसे पहले मैं गाना सुना दे रहे हैं, तब ये लोग गाना सुनिए, भाई साहब गाना सुनिए पहले आप लोग। जनता को तटे संसद बनाव बाटे जरूरत बिहार के, जनता को तटे संसद बनाव बाटे जरूरत बिहार के, अनमे बरांड बायब की डिमांड बा पवन सिंह कलाकार के, नमे बरांड बायब की डिमांड बा पवन सिंह कलाकार के। और सुनिएगा, अरे यूट्यूब पर देखो चाहे फेसबुक पर देखो, अरे न्यूज पढ़ाया खबर के, अरे नमवे बरांड बा अब की डिमांड बा पवन सिंह कलाकार के, नमवे बरांड बा अब की डिमांड बा। क्या कह सकते हैं, एक और हमने गाना लिखा है पवन सिंह पे, सुनिएगा भैया पे और गाना है। अरे गायक बनल तू नायक बनल, अरे बनल सबके चहेता हो, गायक बनल तू नायक बनल, बनल सबके चहेता हो, आ जनता के चाह बटे हो, पवन सिंह बन जा बिहार में नेता हो, जनता के चाह बटे हो पवन सिंह। और सुनिएगा आगे मैंने लिखा है क्या, लईका जवान अरे बुढ़ावा से आने आशीर्वाद तू हके देता हो, अरे लईका जवान अरे बुढ़ावा से आने आशीर्वाद तू हके देता हो, जनता के चाह बाटे हो पवन सिंह बन जा बिहार में नेता हो, जनता के चाह बाटे हो पवन सिंह। और सुनिएगा मैंने बोला है कि बोलिए में जान बा आरा के शान बा, बोलिए में जान बा आरा के शान बा, नाम हटे पवन सिंह कलाकार, आ रउआ सब से कर तनी गुहार, तनी सोची बिचारी करी तनी सा निमन से विचार, आ एक बार लाई साता में पवन सिंह के और बनाई उनकर सरकार। 2024 में इलेक्शन होने वाला है जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। अब इनका कहना है, अभी हमारे साथ अवैध उफानी थे जो कि एक मेहंदी आर्टिस्ट भी, और इनका कहना है कि 2024 के इलेक्शन में पवन सिंह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और ऐसा काम करेंगे जिसे लोग याद करें। आज खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद। पकड़िए दूसरा।